क्लास 12 के हिंदी में 95 प्लस अंक लाने का सबसे धांसु तरीका बता रहा हूँ। अगर आप चाह रहे कि हिंदी में आपका पूरा नंबर उठे ना, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलाऊँ, ये वीडियो आपका कारगर सिद्ध होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा वाच जरूर करिएगा। आप क्लास 12 में पढ़ते हैं और हिंदी आपको कुछ नहीं आती है, फिर भी आप पूरा का पूरा मार्क्स उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिए। देखो, सबसे पहली बात, आप किसी बोर्ड से बिलोंग करना करते हैं, ठीक है ना, तो आप पहले अपने बोर्ड के पैटर्न को समझ लीजिए। पैटर्न को समझिएगा, हिंदी का जो पैटर्न है, किस पैटर्न का मतलब किस टाइप से पिछले साल क्वेश्चन किया था, उसी टाइप से ना इस साल भी आपका क्वेश्चन करने वाला है। तो पैटर्न को पिछला साल का क्वेश्चन पेपर देखिए और देखकर पहले समझ लीजिए कि आखिर हिंदी के पैटर्न में क्या क्या प्रश्न करता है, क्या क्या प्रश्न करता है, पहले ये चीजें समझ लीजिए। देखिए, जैसे एग्जांपल देना बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव करता है। उसके बाद व्याख्या करने वाला प्रश्न 8 नंबर का करता है। हिंदी में लेटर लिखने का, पत्र लिखने का 5 अंक का देता है। किताबी प्रश्न 25 नंबर का देता है हिंदी में। उसके बाद संक्षेपण 4 अंक का है, और हिंदी में अगर निबंध लिखना होगा तो 8 अंक का देता है। टोटल मिला देंगे तो इसको 100 अंक का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, अब आप अपने अपने पैटर्न को समझ लिया कि मेरे पैटर्न में ये चीजें पूछता है, तो भैया हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके अलावा और चीज नहीं। हम जाकर निबंध सीख लेंगे, कैसे हिंदी में निबंध लिखना है, कैसे संक्षेपण बनाना है, कैसे किताबी प्रश्नों को हल करना है, कैसे हिंदी में पत्र लिखना है, कैसे हिंदी के प्रश्नों का सब प्रसंग व्याख्या करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव को हल करना है। हम ये 6 चीजें पढ़ेंगे, बस जाकर निबंध सीख लेंगे तो 8 नंबर क्लियर हो जाएगा, जाकर संक्षेपण सीख लेंगे तो 4 नंबर क्लियर हो गया, किताबी प्रश्न जाकर हल करना सीख लेंगे तो 25 नंबर क्लियर हो गया, पत्र अगर संस्कृत में इंग्लिश में सॉरी हिंदी में लिखना सीख लेंगे तो 5 अंक का पत्र आपका हो गया, अगर व्याख्या करने वाला प्रश्न सीख ले तो भैया 8 नंबर का आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया। तो अब रही बात कैसे तैयारी करना है, आपको कैसे तैयारी करना था कि 95 प्लस अंक आ जाए। आपको अपने बोर्ड में देखना है कि कितना ऑब्जेक्टिव करता है। अगर 50 अंक का ऑब्जेक्टिव करता है तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न छांट लेने हैं। अगर आप नहीं छांट पाते हैं तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी टीचर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले लीजिए और उसका रिवाइज करिए, उसका तैयारी करिए 100%। मान लीजिए प्रत्येक चैप्टर से, हिंदी का जितना भी चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि छांट लेते हैं और उसका उसको बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं तो सारा प्रश्न आपका वही से लड़ जाएगा। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन तैयार करिए, नहीं तो ऑफलाइन ऑनलाइन टीचर से ले सकते हैं। दूसरी बात है, अब देखो सप्रसंग व्याख्या करने वाला हिंदी के प्रश्नों का व्याख्या कैसे। सप्रसंग व्याख्या मतलब कोई कविता कलन उठा के दे देगा, बोले इसका व्याख्या करिए, कोई पंक्ति उठा के दे देगा, बोले इसका व्याख्या करिए। तो भैया कैसे व्याख्या करना है, चैप्टर किताब नहीं पढ़े हैं फिर भी हम उसका कैसे व्याख्या करेंगे। अब इसका तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसे हिंदी में सारे प्रश्नों का व्याख्या करना है। तो उसको जाकर आप एक बार जरूर देख लेंगे कि कैसे प्रश्नों का हिंदी में व्याख्या करना है, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 2-3 मिनट का वीडियो, उसको देख लीजिएगा तो मुझे विश्वास है कि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हिंदी में पत्र लिखना सीख लीजिए, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। पत्र कैसे लिखना है, ट्वीक से कैसे लिखना है पत्र, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। संस्कृत में हिंदी में कैसे किताबी प्रश्नों को हल करना है, हिंदी में किताबी प्रश्नों को। अब देखो किताबी प्रश्न, मान लीजिए आप किताब नहीं पढ़े फिर भी 25 नंबर का पूछ रहा है, 3 समरी 5 नंबर पूछता है। समरी मतलब कोई कहानी दे दिया, जैसे बोलेगा उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए 5 नंबर का, तो भैया कहानी पढ़े नहीं है फिर भी सारांश कैसे लिखेंगे, इसका ट्विकली लिख सकते हो और 1 नंबर भी आपका एग्जाम में नहीं कटेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, नीचे आपको इसका लिंक दे दिया हूं कि कैसे किताबी प्रश्नों को हल करना है। इस ट्रिक को मतलब किताबी प्रश्नों को हल करने का ट्रिक यदि आप जान लेते ना, तो मैं 120% गारंटी के साथ बोला हूं कि 2500 का 2500 नंबर उठा सकते हैं। नहीं पढ़े चैप्टर फिर भी उठा सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब कैसे हिंदी में संक्षेपण लिखना है, कैसे हिंदी में निबंध लिखना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाकर देख लीजिएगा। यानी व्याख्या करने वाला, पत्र लिखने वाला, किताबी प्रश्न, संक्षेपण, निबंध, ये 5 चीजें यदि आप सीख लेते हैं बाबू तो 50 नंबर यहां से आ गया। अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो 50 ऑब्जेक्टिव टोटल का टोटल 95 प्लस नंबर उठा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर उसका तैयारी करना है, उसके बाद व्याख्या करना सीख लेना, पत्र लिखना सीख लेना, किताबी प्रश्नों को हल करना सीख लेना, संक्षेपण सीख लेना, निबंध सीख लेना, ये 5-6 चीजें सीख लेंगे तो हिंदी में आपका 95 प्लस नंबर आसानी से उठ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए जो भी लिंक दिया गया उसको जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि देखने के बाद ही आप ये सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदी में पूरा 95 प्लस नंबर या फुल मार्क्स भी उठा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे उठाते भी है। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से मुझे कुछ सीखने को मिला है थोड़ा सा भी ना, तो इस वीडियो को ईमानदारी से हर जगह शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।